लेकिन एक साल पहले तो आप खुद ही उसके फैन थे। यारो बिग बॉस में एक बंदा खेल रहा है, एल्विस यादव। ईमानदार बंदा है, सीधा बंदा है, स्ट्रेट बंदा है, सिस्टम है यारो, एक नंबर। सपोर्ट करो। एजाज भाई सच में कह रहा हूँ, एक दिन साथ बैठते हैं, ठीक हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी मेंटल थेरेपी लगेगी, अभी उस स्टेज पे है बीमारी की। हे गैस, कैसे हैं आप सब? तो गैस आज हम बात करने वाले हैं अदनान 07 के बारे में। तो आप सभी को पता है बिग बॉस OTT सीजन 3 पर अदनान 07 वाइल्ड कार्ड एंट्री का शुरू था, और फिलहाल अदनान 07 बिग बॉस के घर पर ही, और अदनान 07 को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर फिर जो भी गया था वीकेंड के बार पर। लेकिन एक खबर निकला है कि बिग बॉस के घर से इफेक्ट हो चुका है अदनान 07। तो बिग बॉस तक ट्विटर पेज ने लिखा है सना सुल्ताना एंड अदनान शेख हैज बीन इफेक्टेड फ्रॉम बिग बॉस OTT 3 हाउस। यानी इसका मतलब सना सुल्तान और अदनान शेख बिग बॉस के घर से इफेक्ट हो चुका है। क्या सच में अदनान 07 बिग बॉस के घर से इफेक्ट हो चुका है? तो कमेंट करके बताइए। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं लक्ष्य सोड्डी वर्सेस एजाज खान के बारे में। तो इस बार लक्ष्य सोड्डी ने भी एजाज खान के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया है, उस वीडियो का छोटा सा क्लिप हम देखते हैं। भाई लेकिन एक साल पहले तो आप खुद ही उसके फैन थे। यारो बिग बॉस में एक बंदा खेल रहा है, एल्विस यादव। ईमानदार बंदा है, सीधा बंदा है, स्ट्रेट बंदा है, सिस्टम है यारो, एक नंबर। सपोर्ट करो। एजाज भाई सच में कह रहा हूँ, एक दिन साथ बैठते हैं, ठीक हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी मेंटल थेरेपी लगेगी, अभी उस स्टेज पे है बीमारी की, आज भी ध्यान दिया तो यहाँ से ठीक हो सकती है। ये मिलके कोई अच्छा डॉक्टर देख लेंगे। और मिलूंगा एल्विस तेरे से आके, तू जहाँ भी रहेगा उधर आऊंगा, और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल, अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं है रे मेरी। अच्छा कोई आर्मी नहीं है, ये कोलैबोरेशन पोस्ट किसके साथ डलती है भाई? फिर एजाज भाई किसी दिन आप अपना नाम मत भूल जाना यार, इतनी हिपोक्रेसी, इतनी आयरनी, इतनी आयरनी। एल्विस यादव अब कटारिया अत्तर रोड में 2 दिन काटेगा ना, अगर तिहाड़ 5-स्टार होटल है, ये तिहाड़ नहीं है, ये अत्तर रोड है। 3,500 क्रिमिनल, एक से बड़ा एक वो अंदर रहते, उधर 26 महीना रूल करके आया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो लोग जेल जाते थे उनको डर रहता था यार किसी को पता ना चल जाए, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते थे, इस बात की शर्म मानते थे, वो बेटर इंसान बनने का ट्राई करते थे। लेकिन आजकल लोग अपने जेल जाने को फ्लेक्स करने लगे हैं। अरे भाई जेल जाने की बात, ये प्राउड और फ्लेक्स करने की कब से हो गई? तुझे पता है मुझे उम्र कैद है, चल सलाम ठोक सर झुका, हाँ शाणे क्या, इधर मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरे को सबसे ज्यादा सजा मिली हुई है। जिन चीजों पे लोग शर्माते थे भाई, आज ये अपने रेज्यूमे पे लिख के घूम रहे हैं, उसको कैसा लगेगा कोई वॉक इन इंटरव्यू के ले गया, बोल रहा है सर कॉलेज में पढ़ाई तो नहीं की, हाँ 2 बार गोली जरूर चलाई, उधर के सारे शाणे लोग मेरी इज्जत बहुत करते हैं, जॉब दे दो। अरे ट्रैफिक अंकल मेरा क्यों चालान काट रहे हो, इस गाड़ी से मैं 6 एक्सीडेंट कर चुका हूँ, इधर के सारे शाणे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो गाड़ी के सारे पेपर भी निकले हैं, उसका चालान काटो ना, उसने 1 ही एक्सीडेंट किया है, है कोई लॉजिक इन बातों का? अच्छा हुआ भाई तुम अपने क्राइम भी मुंबई में ही कबूल रहे हो, यूपी में तो एजाज भाई ने तो बिग बॉस में हुए वायलेंस पे भी आवाज उठाई। चोको क्या मारता है? और बिग बॉस इतने बायस मत बनो, ऑन द स्पॉट निकालो, समझे कि नहीं समझे? आयरनी ये है कि खुद एजाज खान को भी बिग बॉस में वायलेंस करने पे ही निकाला गया था। एजाज भाई कैसे भूल सकते हो आप ये सारी बातें, कैसे 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 खुद के साथ हुई बातें कैसे भूल सकता है इंसान यार, अब तो मैं भी सरप्राइज हूँ।